Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kanika and today I will be showing you how you can trim or cut your own hair at home easily. अगर आपने मेरा एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने बाल खुद से काटे थे, अगर वो नहीं देखा है तो that was quite interesting video. That was the first time when I actually cut my own hair. So I'll link that video in the end. और आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ट्रिम करना है. सिंस आप देख सकते हैं नीचे मेरे बाल प्रॉपरली डेड हो चुके हैं, तो आई बी जस्ट ट्रिमिंग 1 or 1.5 inch फ्रॉम हेयर. एंड सेकेंडली फॉर दिस यू विल बी नीडिंग ओनली सम थिंग्स लाइक यू विल बी नीडिंग अ कोम, जिससे आप बेसिकली बालों को अपने ब्रश कर सकते हैं. एक कोम चाहिए होगा टू सेक्शन योर हेयर, एंड हेयर कटिंग सीजर्स चाहिए इसके लिए, एंड अ फ्यू रबर बैंड्स, बेसिक रबर बैंड्स यू विल बी नीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली सबसे पहले आपने क्या करना है, यू नीड टू वॉश योर हेयर उसी दिन जिस दिन आपने बाल काटने हैं अपने. एंड लाइक जैसे अभी मैंने 40 मिनट्स बैक आई हैव लाइक वॉश्ड माई हेयर, तो आई विल बी जस्ट नाउ सेक्शनिंग माई हेयर. फर्स्ट यू नीड टू कोम योर हेयर, सेक्शन योर हेयर एंड देन कोम इट, जिससे कि बिल्कुल प्लेन हो जाए, कोई भी नॉट्स नहीं होनी चाहिए आपके बालों में. Sectioned it. Now just part your hair into sections. I'm actually cut only this much, trim this much, because this is the part which I need to cut. There are two ways actually. अगर आप चाहें तो आप रबर बैंड से अगर आप इस तरीके से इसको मैं जैसे आपको बताऊंगी वैसे बांध सकते हैं. Else you can also do, अगर आप बहुत ढंग से करना चाहते हैं या मतलब अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप कर लेंगे आराम से, तो यू कैन जस्ट डू वन थिंग, आप अपने हाथ के अंदाजे से यू कैन जस्ट कट इट लाइक दिस. बट आई विल बी सेक्शनिंग इट, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, उसमें कोई रिस्क नहीं रहता है. अगर आप अपने हाथों के उससे भी करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि आपने अपने लाइक बालों को प्रॉपरली सेक्शन नहीं करा होता है. नाउ आई विल बी जस्ट मेकिंग अ सेक्शन. आई जस्ट मेक टू सेक्शंस. This trick is going to be very helpful for people like जो कॉलेज में रहते हैं, लाइक हॉस्टल में रहते हैं लड़कियाँ, या फिर जो मदर्स हैं ऑफिस गोइंग हैं, उनके लिए बहुत ईजी ट्रिक है एक्चुअली. क्योंकि सिंस वर्किंग मॉम्स भी होती हैं जो, या फिर जो न्यू लाइक न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए बहुत आसान नहीं है कि आप बेसिकली बार बार पार्लर जा सकें या कुछ उस तरीके से. यू कैन जस्ट सी, जस्ट डू वन थिंग. जैसे मेरे बाल अभी थोड़े से लाइक दे आर नॉट वेट, वो सूख चुके हैं, तो वॉट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट सम वाटर एंड जस्ट मेक इट स्ट्रेट. अगर आपके पास लाइक वाटर स्प्रे वाला बॉटल है तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. आई डिडंट फाइंड इट, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग, आई एम जस्ट अप्लाइंग वाटर. जस्ट मेक श्योर कि आपने like while doing all the stuff, obviously this is different since I am making a video, otherwise I would have done this in the washroom itself. But agar aap kar rahe hain is tarike se, so just make sure you just place any like towel or anything jo waste sa ho, jisse ki aap apne room ko mess up na kare. So now we'll start. What I'll do, I am just going to cut this much section. To main apne haathon ki hi help se I'll just do this. I've just cut it. Now, अगर आपके बाल लेयर में है तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस तरीके से करके एंड देन कट इट डायगोनली. इट इज वेरी डिफरेंट जैसे मैं वॉशरूम में करूंगी कटिंग और ऑब्वियसली कैमरे के सामने थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आपको आप ये बहुत ईजीली कर सकते हैं. द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू हेयर. देन मेक श्योर कि आपके बाल जो हैं वो थोड़े से वेट होने चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी उससे. पहले आप इसको इस तरीके से स्ट्रेट कट करिए.
बिलीव मी गाइज, अगर आप एक बार अपने घर में खुद से ट्रिमिंग करने लग जाएंगे ना, आप उसके बाद पार्लर के विजिट्स नहीं करेंगे। नाउ सिंस मेरा लेयर कटिंग है तो मैं इस तरीके से आप इसको डायगोनली इस तरीके से काटिए। अब आप इसको इससे एक बार ये चेक करने के लिए कि आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, आप इसको इस तरीके से बालों को इसमें लीजिए एंड देन जस्ट कट इट। इस तरह से करने से आपके जो नीचे के थोड़ा पार्ट जो बचा होगा, जो कि स्ट्रेट नहीं होगा, वो प्रॉपरली स्ट्रेट कट होगा। सिंस अभी मैं कैमरे में देख के कर रही हूँ, अगर आप मिरर में प्रॉपरली देख के करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा ये वाली चीज़। नीचे बहुत ज़्यादा जो कुछ कई बार डेड एंड रह जाते हैं और फिनिशिंग नहीं आती है, तो इस चीज़ को करने से आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो एज यू कैन सी कि नीचे से मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन मुझे आगे से थोड़ा जो अपना फ्रंट है, वो फ्रंट सेक्शन जो है वो प्रॉपर करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं आगे के सिर्फ फ्रंट सेक्शन से थोड़े से बाल लूँगी एंड देन आई विल ट्विस्ट देम। स्पेशली जिन लोगों का फोरहेड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है। जस्ट मेक श्योर कि मैं चिन के बाद अपना ये कट करूँगी हेयर डायगनली, लेकिन अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप अपने नोज़ के पास से या लिप्स के पास से कट कर सकते हैं, उससे आपके फोरहेड पे थोड़े से बाल आएंगे तो उससे आपका फोरहेड जो है वो बहुत बड़ा नहीं लगेगा। सो आई हैव ब्लो ड्राइड माई हेयर एंड नाउ यू कैन सी द एक्चुअल कट, हाउ इज इट लुकिंग। आई हैव एक्चुअली कट बिटवीन 1 to 1.5 inch ओनली, बट इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। नीचे के जो डेड एंड्स थे वो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, एक प्रॉपर कट आ गया है, अच्छा लग रहा है। आई मीन दिस इज समथिंग जो कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल ट्रिक है ये एंड आई पर्सनली लव्ड इट जब से मैंने फर्स्ट टाइम करा है, लाइक दिस इज़ द थर्ड टाइम विच आई एम डूइंग इट, तो आई रियली लाइक्ड इट। और इससे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि शायद मैंने खुद से कटिंग करा या साइकोलॉजिकल है, बट मेरा हेयर ग्रोथ बढ़ गया है, तो आई डोंट नो एंड दैट्स गुड। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।